निजी अस्पतालों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र बुखार के प्रकोप से बदहाल हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ से रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अधेश यादव से हम जानेंगे कि वायरल फीवर की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जिले ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए हैं बुखार के प्रकोप को रोकने के लिए? आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब भी मौसम में बदलाव होता है तब वायरल फीवर या तरह तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का प्रकोप होता है, और इसमें चूंकि फ्रिक्वेंट मौसम में बदलाव आना है तो वायरल फीवर के केसेस या अन्य सर्दी जुकाम बुखार के पेशेंट काफ़ी मात्रा में ओपीडी से आ रहे हैं, तो चाहे हमारी सीएससी की ओपीडी हो, बीएससी की ओपीडी हो, जिला अस्पताल की ओपीडी हो, हमने सभी जगह सभी मरीजों के लिए ओपीडी में पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो अगर वायरल फीवर से ग्रसित हैं कुछ दिन आराम करें, ताज़े फल मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ में थोड़ा सा गुनगुने पानी का सेवन करते रहें, बिना डॉक्टर के सलाह के किसी दवा का। फॉगिंग भी होती है क्या ये वायरल फीवर के लिए? कोई फॉगिंग नहीं है, फॉगिंग तो मॉस्किटो जो वेक्टरबॉर्न डिजीज है उसके लिए की जाती है। मॉस्किटो का अभी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम तब भी फॉगिंग समय समय पर करवाते रहते हैं। जैसे ही मॉस्किटो की डेंसिटी रेनी सीजन में बढ़ती है हम फ्रिक्वेंट फॉगिंग करवाते हैं, लेकिन इस समय ज़रूरत पड़ने पर ही फॉगिंग करवा रहे हैं। पदभार जब ग्रहण किया आपने तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया था आपने, तो वहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था, उस क्या प्रयास हुआ उस? मैंने सितंबर 22 में पद ग्रहण किया था, उस समय हमारे जनपद में 8 जगह एक्सरे मशीन्स लगी हुई थी। उसके बाद प्रयास करके सरकार ने 11 मशीन्स और दी एक्सरे मशीन्स, डिजिटल एक्सरे मशीन्स, जो कि कुछ जगह एस्टैब्लिश्ड हो गई हैं और कुछ जगह स्थापित करने की प्रक्रिया में है। हेल्थ एटीएम्स भी लगवाए गए हैं, 11 हेल्थ एटीएम पहले लगाए गए थे, इसके बाद 10 हेल्थ एटीएम और आए हैं जो कि पूरे जनपद में जगह जगह पर लगवाए गए। इसके अलावा 2 अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ खैर पहले से ही चल रहे थे, अन्य जगहों पर अल्ट्रासाउंड लगाने की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी बाकी जगहों पर उपलब्ध करा दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के जो अल्ट्रासाउंड मशीनें चल रही हैं जिले में, उसका निरीक्षण होता है? बिना रजिस्ट्रेशन के चाहे वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो या फिर हॉस्पिटल्स हों, सभी के लिए कार्रवाई की जाती है। समय समय पर हमारी टीम्स जाती हैं और जो अवैध तरीके से इस तरह के हॉस्पिटल्स या पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक सेंटर्स संचालित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।